हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि इनहेरिटेंस थोड़ा सा बड़ा ही बड़ा टॉपिक है। यहाँ मैं थोड़ा बेसिक्स बताऊंगी, देन आगे हम उसका कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक नई क्लास को क्रिएट करना एक पुरानी क्लास की चीज़ों को यूज़ करके। तो जो नई क्लास होती है उसको बोला जाता है कि ये ड्राइव हो रही है क्लास। जो पुरानी क्लास होती है उसको बोलते हैं ये बेस क्लास है या सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है। तो जैसे नए लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें इनहेरिट कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पर होता है जो नई क्लास होती है वो पुरानी क्लास से बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लेती है। इनहेरिटेंस के कई सारे टाइप होते हैं, सिंगल, मल्टीपल, हायरार्किकल और मल्टीलेवल। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक ही बेस क्लास, एक ही ड्राइव क्लास। मल्टीपल का मतलब होता है नंबर ऑफ बेस क्लासेस एंड वन ड्राइव क्लास। हायरार्किकल में वन बेस क्लास एंड डिफरेंट ड्राइव क्लासेस। मल्टीपल में वन बेस क्लास देन ड्राइव देन ड्राइव देन ड्राइव, तो लेवल्स बन जाते हैं। तो जो सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, वो जावा में डायरेक्टली यूज अचीव नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। वो कैसे होता है वो हम आगे देखते जाएंगे, जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे तब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को डीपली देखेंगे। कैसे डिक्लेयर करते हैं जब हम क्लास को इनहेरिट करते हैं? क्लास देन सब क्लास का नाम आता है, फिर एक्सटेंड कीवर्ड लेते हैं, देन सुपर क्लास का नाम आता है, फिर हम उसके अंदर वेरिएबल और मेथड्स डाल देते हैं। इस तरीके से हम इस तरीके से हम वेरिएबल क्लास को बताते हैं। तो यहाँ पे क्लास तो हम लेते ही हैं, सब क्लास का नाम लेते हैं और एक्सटेंड कीवर्ड यहाँ पे हमें लेना है और फिर सुपर क्लास का नाम लेना है, जो भी नाम आपका सुपर क्लास का दिया हुआ हो। प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसको। सब क्लास कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, आपके पास दो क्लासेस हैं, दोनों के कंस्ट्रक्टर होंगे, सब क्लास का भी होगा और सुपर क्लास का भी होगा। तो सब क्लास कंस्ट्रक्टर क्या करता है? वो इसलिए यूज़ होता है ताकि वो सारे वेरिएबल्स को इनिशलाइज कर सके। सारे मतलब खुद के वेरिएबल्स को भी और जिसको उसने इनहेरिट करा है, मतलब सुपर क्लास के वेरिएबल को भी इनिशलाइज कर सके। सब क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें एक यूज़ कीवर्ड करना पड़ता है जिसका नाम होता है सुपर। ठीक है, सुपर एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है जो कि सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। और सुपर कीवर्ड जो होता है वो हम सब क्लास के अंदर ही यूज़ करते हैं, सुपर क्लास के अंदर नहीं यूज़ करते हैं। कंडीशंस होती हैं कुछ सुपर क्लास कीवर्ड की। सुपर जो होता है वो केवल सब क्लास कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर यूज़ होता है। सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए पहला जो स्टेटमेंट होता है सब क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर वो सुपर होना चाहिए। तो जब हम सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं लिखते, हम केवल सुपर लिखते हैं और वो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए सब क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर। जो पैरामीटर लिस्ट है वो सुपर की जो होती हैं वो मैच होनी चाहिए, ऑर्डर भी मैच होना चाहिए। ठीक है, ओवरराइडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग हमने पढ़ा था कि अगर कोई मेथड है उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट अगर डिफरेंट है, डिफरेंट काइंड की हैं, नंबर डिफरेंट हैं, तो उसे ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओवरराइडिंग इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। ओवरराइडिंग में जो मेथड होती है वो जो होती है उसमें सेम पैरामीटर लिस्ट होती है, सेम मेथड सेम पैरामीटर लिस्ट अगर होती है तो फिर बोलते हैं कि ये मेथड को ओवरराइड कर दिया है, मतलब उसकी पुरानी डेफिनेशन को चेंज करके नई डेफिनेशन ला दी है। तो ये तो पीपीटी हो गई, इसको बंद करके मैं प्रोग्राम बता देती हूँ। मैंने दो प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं, एक इनहेरिट टेस्ट करके इनहेरिटेंस को बताने के लिए, एक ओवरराइडिंग को बताने के लिए ओवरराइड डेमो। तो इनहेरिट टेस्ट जो है वो मैंने प्रोग्राम बनाया है, इसके अंदर मैंने दो क्लास ली हैं, रूम और एक बेडरूम और एक मेन मेथड क्लास जिसके अंदर मेरा मेन मेथड है। तो प्रोग्राम को मैं सेव करूँगी मेन मेथड से, मतलब इनहेरिट टेस्ट से, इनहेरिट टेस्ट से। तो जो रूम क्लास ली है उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक कंस्ट्रक्टर लिया है जो कि दोनों वेरिएबल को इनिशलाइज कर सके और एक एरिया नाम का फंक्शन लिया है जो इन दोनों वेरिएबल को यूज़ करके एरिया निकाल सके। बेडरूम क्लास मैंने ली है जो इनहेरिट करा रही है रूम को, क्योंकि मैंने लिखा है क्लास बेडरूम एक्सटेंड्स रूम। इसके अंदर एक मैंने वेरिएबल लिया है हाइट करके, दो वेरिएबल यहाँ थे एक वेरिएबल यहाँ है। अब देखिए जो बेडरूम कंस्ट्रक्टर है वो इन तीन वेरिएबल ले रहा है जबकि इसके अंदर केवल एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल वो किसके ले रहा है? सुपर क्लास के, मतलब रूम क्लास के। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा है सुपर एक्स वाई, तो सुपर को कॉल कर रहा है, सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है।
ये आपका ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और फिर हाइट को ये इनिशलाइज कर रहा है। फिर एक नया फंक्शन लिया है वॉल्यूम करके, जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई कर देगा। अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने मेन मेथड क्लास बनाई इनहर टेस्ट करके, इसके अंदर पहला स्टेटमेंट मेन मेथड लिया, बेडरूम की मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की, मैंने रूम की ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं की, केवल बेडरूम मतलब कि सब क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट की, क्योंकि सारे फंक्शन हम यहाँ से इन्वोक कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया एरिया, क्योंकि मुझे एरिया कैलकुलेट करके इसके अंदर डालना है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट किया, रूम वन डॉट एरिया, रूम वन जो ऑब्जेक्ट है वो एरिया को कॉल कर रही है। रूम वन किसकी ऑब्जेक्ट है, बेडरूम की, लेकिन कॉल किसके फंक्शन को कर रही है, रूम के, इसलिए कर पा रही है क्योंकि इसने इसको इनहेरिट कर लिया था। तो रूम वन डॉट एरिया करा। फिर एक वॉल्यूम नाम का इंटीजर वेरिएबल लिया, क्योंकि मुझे वॉल्यूम की वैल्यू वहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि वॉल्यूम फंक्शन जो है वो भी इंटीजर रिटर्न कर रहा है, एरिया फंक्शन जो है वो भी इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें मुझे स्टोर करानी है। तो रूम वन डॉट वॉल्यूम, अभी ठीक है कि रूम वन जो है वो इसकी ही ऑब्जेक्ट है और इसका फंक्शन इसके ही फंक्शन को कॉल कर रही है, ये तो होता ही आया है। तो अब दोनों को सॉरी प्रिंट करा लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप दबाइए, कंपाइल किया कोई एरर नहीं आनी चाहिए, नहीं आई, रन करते हैं जावा इनहर टेस्ट। तो यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम की वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हमारा, इसको चालू रहने देते हैं। ओवरराइड डेमो, ओवरराइड डेमो में मैंने दो क्लासेस ली हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के अंदर एक वेरिएबल लिया, सेट डेटा एक फंक्शन लिया जो कि इस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशलाइज कर रहा है, कंस्ट्रक्टर नहीं लिया मैंने यहाँ। वॉइड डिस्प्ले क्या कर रहा है, इस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। सेकेंड क्लास इस फर्स्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है, इसके अंदर दो वेरिएबल लिए सॉरी सेट डेटा इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को इनिशलाइज कर रहा है और डिस्प्ले इसको डिस्प्ले कर रहा है। मेन मेथड क्लास ली ओवरराइड डेमो, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट की, पहले वाले प्रोग्राम में एक ही की थी, यहाँ पर दो, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले को मैंने ओवरराइड कर दिया और इसको ओवरलोड कर दिया, तो दो अलग अलग डेफिनेशन मेरे पास हैं सॉरी। तो ये क्या करेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग फंक्शंस को कॉल करेगी। जब मैंने एफ से इसको कॉल किया सेट डेटा को, तो वो अपनी मेथड को कॉल करेगी, और एस से मैंने कॉल किया अगर इसको, तो वो अपनी एस जो है वो सेकेंड की ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने सेट डेटा को कॉल करेगी। F अपने डिस्प्ले को कॉल करेगा और S अपने डिस्प्ले को कॉल करेगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये मेरा ये चल रहा था यहाँ पे जावा सी ओवरराइड डेमो अंडरस्कोर डेमो डॉट जावा, ये हो गया। अब इसको मैं रन कर देती हूँ, तो देखिए ए बी सी की वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो यहाँ पे ओवरराइड हुआ है, कौन सा फंक्शन ओवरराइड हुआ है, यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन ओवरराइड हुआ है, और जो दूसरा फंक्शन है सेट डेटा वो ओवरलोड हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पैरामीटर लिस्ट चेंज है। ये ओवरराइड इसलिए हुआ है क्योंकि ये सेम नेम है, बिल्कुल सेम, रिटर्न टाइप आर्ग्यूमेंट लिस्ट बिल्कुल सेम है, तो ये ओवरराइड हुआ है। यहाँ पैरामीटर लिस्ट ही चेंज हो गई है, इसलिए ये ओवरलोड हुआ है। ये डिफरेंस है ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में। तो देखिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।